हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करती हूँ दीपिका कक्कड़ जी की। और मेरा 2 दिन से वीडियो नहीं आई क्योंकि मेरा फ़ोन लॉक हो चुका था और फ़ोन खुलवाने में मुझे टाइम लग गया। उसके बाद पता नहीं कैसे हो गया, मैं पासवर्ड लगाती नहीं हूँ, पासवर्ड लगाया, पासवर्ड भूल गई तो फ़ोन लॉक हो गया। इस चक्कर में नहीं आ पाई। तो बात करते हैं, चलिए, दीपिका कक्कड़ जी की। दीपिका की बात जो कि जितनी भी की जाए कम है तारीफ में। ऐसा नहीं है कि मैं रिएक्शन नहीं बनाती हूँ, मैं एक्शन भी बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है तो मैं एक्शन भी लेती हूँ। तो शादी की जिम्मेदारी के साथ साथ उन्होंने लोगों को अप्रिशिएट करना भी नहीं छोड़ा। देखिए, शादी की जिम्मेदारी होती है, आदमी किसी से काम कराता है ना, काम करा के अगर उसकी तारीफ की जाए तो इंसान का उत्साह दुगना हो जाता है। आप काम करते हैं, काम करने के बाद आपकी कोई अगर तारीफ कर देता है तो आपका उत्साह काम करने का दुगना हो जाता है। इसी तरीके से दीपिका जी ने जैसे लोगों से काम कराया और काम कराने के बाद जब तारीफ की है उनकी तो बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे कि मेहंदी, आपने देखा कि मेहंदी वाली थी, मेहंदी की लड़कियाँ थी जिन्होंने मेहंदी लगाई थी, तो उनको कितनी अच्छे से तारीफ की है ना। और अपने आप क्यों नहीं लगाई, ये तो आने वाला वक्त आपको बताएगा कि उन्होंने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई थी, है ना। मैं अभी से नहीं बताऊंगी। तो इतनी मतलब उनसे कहा कि ये देखिए, एक तो आदमी काम करता है, बहुत अच्छी बात है, ऊपर से वो मन से करता है ना, मन से करता है काम, वो अलग पता चल जाता है। एक होता है कि आदमी आया, पेमेंट किया, के लिए काम किया और चला गया, तो ये बात हर कोई नहीं जज करता है। दीपिका जी ने जज की और उनकी तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा। देखिए, आदमी काम अगर कोई बीच में भी कर रहा है उसकी तारीफ़ करते जाओ तो वो और दुगना उत्साह से काम करता है। इसी तरीके से देखिए, एक होता है काम करवाया, पेमेंट दिया और भेज दिया, एक होता है काम कराया, पेमेंट दिया, तारीफ़ की, इनाम दिया, तो उससे आदमी खुश हो जाता है। अब पता नहीं, एक मुँह से कुछ नहीं कहे, अंदर से दुआ निकलती है। इसी तरीके से मुझे नहीं लगता दीपिका जी ने इनाम भी दिया, नहीं दिया होगा, इनाम भी उन्होंने दिया। देखिए, अब तैयारी वो कर रही हैं बम्बई में रिसेप्शन की, क्योंकि हो सकता उनके स्टाफ के बहुत से लोग नहीं आ पाए होंगे या वो जिन्हें बुलाना चाहती होंगी, अब वो बॉम्बे में रिसेप्शन की तैयारी कर रही हैं। वाह दीपिका जी, आप जैसी भाभी, आप जैसी बहू, आप जैसी पत्नी सबको मिले, सबको मिले। और मैं दुआ करती हूँ आप जल्दी से बहुत अच्छी माँ भी बन जाए। मुझे लगता है, देखिए, 5 उंगलियाँ हैं, एक माँ की 5 औलादें होती हैं, 5 बराबर नहीं होती, और भी बहन भाई हैं उनके, मुझे नहीं लगता वो ऐसे होंगे, है ना। अब कार्ड तक रिसेप्शन के खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी कितने अच्छे से उठाती हैं आप और कितनी खुशी खुशी उठाती हैं। एक होता है आपने जिम्मेदारी उठाई, किसी ने काम दे दिया, बेमन से काम करा छुट्टी, उस काम को आप कितनी खुशी खुशी करती हैं, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं उस काम में। ये देखिए, बाउंडिंग ससुराल में अच्छी है, बाउंडिंग आपके स्टाफ में कितनी अच्छी है, जो आपका स्टाफ है, जो आपके साथ काम करता है आपका स्टाफ, उस स्टाफ के साथ आपकी बाउंडिंग कितनी अच्छी है ये देखने को मिली। कितने अच्छे से बोलना, कितने अच्छे से, क्या कहें, जवाब नहीं है। मुझे तो वाकई में, देखिए, मैं कह रही ना, कभी कभी मुझे लगता था कि ओवर तो नहीं है, ओवर तो नहीं करती, कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन नहीं, ये आपका नेचर है और ये नेचर हर एक के अंदर नहीं होता है। आपको याद होगा जब बिग बॉस में गई थी, वो आटे का हलवा बनाकर खिलाती थी, मुझे याद है। अब आप देख लो कि मैं उन्हें देखती थी, मैं उन्हें देखती हूँ और मुझे पता है, बिग बॉस में गई थी तो आटे का हलवा बनाती थी और आटे का हलवा बना के बड़े प्यार से सबको खिलाती थी और कहती थी, ये आटे का हलवा मैंने अपनी सास से बनाना सीखा है। तो वो आटे का हलवा बनाती थी और सब प्रेम से खाते थे, क्योंकि उसमें कुछ गिना चुना सामान आता है बिग बॉस में, तो मीठा खाने को मन करता था, तो वो आटे का हलवा बना के खिलाती थी सबको। और बर्थडे आई थी किसी की तो उन्होंने केक भी आटे के हलवे का ही बनाया था। आप देखिए, मैं कितना याद रखती हूँ किसी किसी के लिए। अगर मैं किसी को शुरू से देखती हूँ तो मैं याद रखती हूँ, है ना। और आप कोरोना टाइम में ससुराल सिमर के सेट पर गई थी काम के लिए, तो लोगों ने कितना ट्रॉल किया था, कितना ट्रॉल किया था कि काम के लिए भेज दिया, ससुराल वालों को पैसा ज़रूरी है। जी नहीं, अब आपकी समझ में आ रहा है, अब आपकी समझ में ये आ रहा होगा कि वो जो भी काम करती हैं, चाहे वो उनका सेट का हो, चाहे वो काम उनका अपना हो, चाहे उनका कोई सा भी काम हो, वो एक दिल से और लगन से और जिम्मेदारी से करती हैं। वो उनकी अपना रोजी रोटी ही कहेंगे इसे, वो उनका अपना काम था, ससुराल सिमर के जाना था उन्हें, तो वो काम भी वो जिम्मेदारी से ही निभा रही थी, ना कि वो ससुराल वाले उन्हें भेज रहे थे।
कोई इंसान होता है कि कोई काम अगर दे देते हैं तो उसे जिम्मेदारी से निभाता है, समझे। लोगों का क्या है, कुछ भी बोल देना है, सामने वाले को क्या लगेगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बोल देना है, बकवास कर देनी है अपनी। बहुत प्यार दिया, ऐसे ही दीपिका जी तुम्हें भी प्यार मिला। देखिए आदमी अगर कोई गलत बात, गलत टाइम आदमी के सामने आता है ना, तो वो एक इम्तिहान की घड़ी होती है, उसी में कोई टूट जाता है, कोई बिखर जाता है और कोई तब के निखर जाता है। तो दीपिका जी मुझे तो ऐसा लगता है आप तब के निखर गई, लगता नहीं है, 100% बात सही है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब वो उन दीपिका जी ने कहा कि मेरी ननद बहुत प्यारी थी, उसने मुझसे बहुत प्यार किया। हाँ ठीक कहती हैं आप, उसने आपसे बहुत प्यार किया, आपने उसे प्यार के बदले में प्यार दिया। ऐसे लोग कम होते हैं ना जो प्यार के बदले में प्यार देते हैं। कुछ लोग उसे मतलब समझ लेते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कोई इसकी इसका मतलब है। आपने उसे 2 रुपए की चीज़ दी, 2 रुपए बहुत छोटी सी चीज़ है आज के टाइम में, उसे सामने वाले ने बहुत प्यार से एक्सेप्ट की, ये एक मायने रखता है। अगर आपने उसे कोई चीज़ दी और उसका जाके सर्च करके रेट निकाला लोगों ने और फिर सामने से कहा अरे ये तो इतने की थी, वो मायने नहीं रखता। उसने आपको प्यार दिया, बदले में आपने उसे डबल करके दिया। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है ना और सामने वाला अगर चुप रहता है, तो इतना समझ लीजिए आपके सामने वो डबल होके आता है, वो देता है ऊपर वाला। और बात रही प्यार की, अगर आप किसी को प्यार देते हैं तो आपको भी बदले में प्यार मिलता है, ज्यादा ना मिले कम मिले, मिलेगा जरूर। दीपिका जी कि दीपिका की तो मैं जी, मेरा आदत है जी करके बात करने की, तो दीपिका जी निकल रहा है, लेकिन दीपिका को ही कहूंगी मैं कि आपकी ननद है ही बहुत प्यारी, आप भी तो प्यारी हैं, जब भी तो ननद प्यारी है। अगर वो आपसे प्यार कर रही थी और आप उससे प्यार ना करती तो क्या वो आपसे कर लेती, कहीं ना कहीं उसे भी लगता कि देखो हम इतना करते हैं और हमारी भाभी नहीं करती, उसने आपसे किया आपने भी उससे किया, और उस प्यार का बदला आपने, बदला तो आदमी कोई नहीं चुका सकता, लेकिन आपने कितना बड़ा सभा को मिला, और सभा की ही वजह, सभा चाहती थी कि आप की शादी हो जाए शोएब से, है ना, फ्रेंडशिप थी हो गया, और ये बात नहीं, सभा चाहती थी वो एक बात अलग है, लेकिन ऊपर वाला भी चाहता था, ऊपर वाला भी चाहता था कि आप इस परिवार में आए और इस परिवार को निखार दें, है ना, इस परिवार की आप चहेती बन जाए और इस परिवार का प्यार आपको मिले, ऊपर वाला भी चाहता था। जो आपके हेटर्स हैं ना, जो आपको उल्टा सीधा ट्रोल करते हैं या कहते हैं, तो वो आपसे जलते हैं दीपिका जी, वो आपसे 100% जलते हैं। ये मेरा हेटर्स के लिए ही बनाई है मैंने, क्या मिलता है उन लोगों को, अरे किसी को बुरा अच्छा नहीं कह सकते तो चुप हो जाओ, बुरा भी मत कहो, चुप नहीं रहा जाता, चुप नहीं रह सकते आप लोग, नहीं रह सकते क्योंकि आदत है उनकी, समझे। अब वीडियो पूरी देख लिया करिए, आप पूरी देखेंगे तो आपके समझ में बातें आएंगी, मेरी बातें आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं मुझे कमेंट के जरिए बताना। लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है इसके लिए। और अगर जिसका कमेंट आएगा, जो लिख के देगा मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका नाम बोलूँगी मैं आप कल को अपनी वीडियो में। मिलती हूँ आपको एक और अच्छी वीडियो के साथ, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मुझे कमेंट और इस वीडियो को शेयर करिए। ओके बाय, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, पहुंचा दीजिए थोड़ा सा मुझे, आप कुछ चीज़ें जो होती हैं वो औरों के हाथ में होती हैं, जैसे कि इस चैनल पे को आगे पहुंचाना आपका काम है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय।